इस समय हूं उपला थला जो कोटड़ा तहसील के उदयपुर जिले के गांव में है। मेरे साथ में बाबूलाल जी खराड़ी है। कद में छोटे लग रहे होंगे लेकिन इनका काम बड़ा है। मुझे बड़ी उत्सुकता थी बहुत बरसों से कि मैं बाबूलाल जी के गांव आऊं। आज मुझे सौभाग्य मिला और परिवार का भी मैं ऋणी हूं कि जिन्होंने मुझे मक्के की रोटी और उड़द की दाल खिलाई। और इसके दौरान मुझे उत्सुकता हुई कि बाबूलाल जी का मकान 3 बार विधायक बनने के बाद ऐसा क्यों है। तो मैं बाबूलाल जी से सवाल पूछ रहा था कि बाबूलाल जी, लोग राजनीति में शुचिता की ईमानदारी की बात करते हैं, तो आप इतने ईमानदार क्यों हैं? मुझे संघ की शाखा से जो संस्कार मिला है, जिसके कारण से ये सारी चीजें मेरे खून में नहीं है। मतलब राजनीति में ईमानदार रह के भी काम चल सकता है? चल सकता है। काफी लोग हैं जो आज भी देश में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी है वो। ये सब आपकी प्रेरणा है? हाँ, और कोई प्रेरणा? इनको आपने देखा होगा बचपन से। राजनीति में कब से और क्यों हैं? राजनीति में संघ के कार्य से मुक्त करके 1987 से मुझे राजनीति का दायित्व दिया था, युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाते हैं। तब से अभी तक चल रहे हैं राजनीति में। विभिन्न दायित्व में पार्टी के रहते हुए काम किया और पार्टी ने मुझे आज 5वीं बार MLA का टिकट दिया, 2 बार हारा और 3 बार में जीता और प्रधान भी रहा उस कोंडा का। तो आपको राजनीति में काम करके अच्छा लगता है? लोगों के लिए, लोगों की सेवा है, जनता आप की संतुष्ट हैं कि जो भूमिका आपको है जनता के लिए, जनजाति के लिए आप काम कर रहे हैं? संतुष्ट हूँ और जनता का भी मुझे आशीर्वाद मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है और उससे मैं खुश हूँ। इस जनजाति क्षेत्र के लिए, क्योंकि आप बड़े अरसे से जनप्रतिनिधि हैं, आप क्या सोचते हैं कि जनजाति के समाज के लोगों के उत्थान के लिए और क्या किया जा सकता है? क्या आपका सोचना, क्या आपका सपना क्या है कि मैं चाहूंगा इस हैसियत में कि ये काम और हम लोग करें? देखिए, ये पिछड़ा क्षेत्र है और जनजाति बाहुल्य है। एक तो यहाँ पर शिक्षा की अभी भी कमी है और कमी होने के बाद में जहाँ सरकारी नौकरियों में जहाँ तक अपन देखेंगे तो बहुत कम लोग सरकारी नौकरियों में हैं। कहीं कोई बाबू मिल जाएगा और कहीं अध्यापक मिल जाएगा और अब कुछ पटवारी हो गए हैं, लेकिन जो उच्च पदों पर जाना चाहिए वो वैसा नहीं हुआ है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि यहाँ का लड़का पढ़ लिख करके RS, IAS, IPS, RPS बने, तो ये मेरी अंतिम इच्छा है। और कुछ यहाँ के लोगों के लिए, कुछ फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रहे आज भी वो मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं, कारण कि फॉरेस्ट कानून के कारण वहाँ सड़क नहीं बन पाती है, तो हमारे मन में एक चिंता है जिसको हम बार बार सदन में भी उठाते हैं और पब्लिक में बोलते हैं। मेरी नज़र में लोग हीरो ढूंढते हैं, बाबूलाल जी मेरी नज़र में रियल हीरो हैं। आपने उनकी बात सुनी होगी कि जिस व्यक्ति की अंतिम इच्छा ही है कि जनजाति का उत्थान हो, वहां शिक्षा का प्रसार हो, लड़के लड़कियां IAS IPS बने और जो जंगल के पर्यावरण के कानून बने हुए हैं उसमें शिथिलता आकर यहां पर विकास हो, ज्यों की त्यों घर दीनी रे चदरिया। राजनीति में मेरे लिए आश्चर्य था कि व्यक्ति इतने अरसे से ऐसा कैसे हो सकता है, पर बाबूलाल जी को पूछा कि झोपड़ी बड़ी क्यों नहीं हुई, उन्होंने कहा काम चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को वो शिक्षित भी बना रहे हैं और संस्कारित भी बना रहे हैं। आपने देखा कि संगठन के विचार से निकला हुआ कोई सामान्य युवा मोर्चा का मंडल का महामंत्री आज 3 बार का विधायक है, उनका पहनावा, रहन सहन, जीवन कहीं पाखंड नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है।